So this is the chapter punctuation from your book Guided Steps to English Grammar class 7 and this is the part of your vocabulary. This is vocabulary part. Today we are doing this chapter punctuation. इसमें क्या है punctuation वैसे normally क्या होता है It's a kind of हम किस तरह से अपने full stop लगाते हैं commas लगाते हैं question mark लगाते हैं semicolon लगाते हैं that all are included in punctuation. ठीक है Punctuation means the right use of putting in points or stops in writing. जब हम कोई भी राइटिंग कर रहे हैं कोई भी कंपोजिशन कर रहे हैं कोई भी हम अपना मैटर लिख रहे हैं जैसे अभी हमने लेटर पढ़ी थी लेटर लिखी थी ऐसे लिख रहे हैं या प्रोज लिख रहे हैं कुछ भी हम लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं स्पीच लिख रहे हैं तो उसमें हम फुल स्टॉप्स लगाते हैं कॉमास लगाते हैं स्टॉप्स लगाते हैं तो वो किस तरह से लगाना होता है दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन पंक्चुएशन तो ये कौन कौन से हैं फुल स्टॉप है कॉमा है सेमी कॉलन है कॉलन है इंटेरोगेशन नोट ऑफ इंटेरोगेशन है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ठीक है रिया डोंट डू दिस ठीक है तो हम पहले पढ़ रहे हैं इसको फुल स्टॉप और पीरियड द फुल स्टॉप इज द ग्रेटेस्ट पॉज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ स्टेटमेंट फुल स्टॉप कहाँ पे यूज होता है एट द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट के एंड में यूज होता है फुल स्टॉप जिससे हमें पता लगता है कि ये लाइन एंड हो गई है लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टैंड इन अ क्यू डोंट ईट टू मच और इस तरह से या फिर एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस एट द एंड ऑफ कमांड हो गया एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस मतलब किसी भी सिंपल सेंटेंस के एंड में भी लगाते हैं लाइक ही गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो वो मेट्रो के द्वारा ऑफिस जाता है शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम उसे नहीं पता कि स्विमिंग किस तरह से करनी होती है और कहाँ लगता है ये आफ्टर सर्टेन एब्रीवेशंस कुछ एब्रीवेशंस एब्रीवेशंस क्या होती है फुल फॉर्म होती है ना फुल फॉर्म को कि शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीवेशंस बोलते हैं लाइक बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स एमए की होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स तो इनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं डॉट्स लगाते हैं एब्रीवेशंस के अंदर और क्या है आफ्टर इनिशियल्स ऑफ पीपल इनिशियल्स मतलब किसी का नेम जो है लाइक आपका नाम आपके फादर का नाम है लाइक और जैसे किसी का भी नाम है आपके खुद के नेम के आगे भी अगर आपका बड़ा नेम है तो आप लगा सकते हो जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर उसका फुल नेम है सचिन तेंदुलकर का फुल नेम है सचिन रमेश तेंदुलकर तो उसका है एस डॉट आर डॉट तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम तो ये भी इसका आगे की जो अब्रीवेशन है आगे के जो इनिशियल्स है उनके बीच में डॉट लगती है देन एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड तो उसमें भी आपका फुल स्टॉप लगता है एंड में ठीक है अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्यों क्योंकि ये इनडायरेक्टली पूछा गया द टीचर आस्क सिया व्हाई शी हैड नॉट ब्रॉट हर नोटबुक टीचर ने सिया को पूछा कि तुम अपनी नोटबुक क्यों नहीं लेके आए हो ठीक है तो ये क्या है इनडायरेक्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्या है ये तो हो गया हमारा फुल स्टॉप फिर हमारा आ गया कोमा कोमा कहाँ लगता है कोमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज ये सबसे छोटा पॉज है ये क्या था फुल स्टॉप क्या था ग्रेटेस्ट पॉज सबसे बड़ा पॉज है जहां पे हमें पता लगे कि सेंटेंस हमारा एंड हो गया कोमा क्या है शॉर्ट पॉज है स्मॉल पॉज है टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द इन सम कंस्ट्रक्शन कोई कंस्ट्रक्शन कोई लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम उसमें कुछ एक सीरीज को ब्रेक करने के लिए यूज होता है देन फिर आपका आता है या ये यूज होता है किसी सीरीज को ब्रेक करने के लिए लाइक आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज मैंने शूज का पेयर खरीदा कॉमा टैडी फ्लावर वेस एंड अम्ब्रेला फ्रॉम द मॉल मतलब मैंने मॉल से ये चीजें खरीदी इतनी सारी चीजें खरीदी तो ये एक सीरीज ऑफ थिंग्स है ना बहुत सारी चीजें हैं तो हमने इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया फिर गरिमा त्रिशा सिया तान्या सुरभि आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 तो इनको भी हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया जब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं आगे हमारा टू सेपरेट वर्ड्स इन एड्रेसिंग पीपल जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं किसी पर्सन से बात करते हैं तो उस पर भी तभी हमें सेपरेट करने के लिए यूज होता है लाइक हाउ डू यू डू सर आप कैसे चल रहे हैं मतलब आपका कैसे चल रहा है काम कैसे चल रहा है तो आप वहां पे हाउ डू यू डू कॉमा सर लगा दी या फिर कपिल प्लीज रिटर्न माई बुक कपिल मेरी बुक रिटर्न करना तो उसके बाद भी आपका कॉमा लगता है फिर आगे टू मार्क ऑफ अ नाउन फ्रेज इन ऑपोजिशन
कोई नाउन फ्रेज के बारे में, जैसे आशीष खुराना द सीईओ ऑफ द कंपनी, जो आशीष खुराना है वो इस कंपनी का सीईओ है, हैज बीन सस्पेंडेड, उसको हटा दिया गया है, तो ये क्या है, हमने आशीष खुराना की पोस्ट के साथ उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कोमा का यूज किया है। फिर राइट टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, अगर हमने कोई सेंटेंस से डायरेक्ट कोटेशन देनी हो, लाइक बी सिंसियर इन द क्लास सेट द टीचर, तो यहाँ पे भी हमारा कोमा लगेगा कि क्लास में बिल्कुल सिंसियर होके बैठा करो, टीचर ने बोला। फिर ही सेड टू मी यू हैव प्लेड वेल, उसने मुझे कहा तुमने अच्छा खेला, तो ये भी इसने भी आपने कोमा लगा दिया। फिर आ गया आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले इन द पार्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया एंड ही वेंट टू प्ले इन द पार्क। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है यहाँ पे, कि एक जो सेंटेंस है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तब क्या है, तब हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो खेलने चला गया, तो वहां पर कोमा, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता है पीछे वाले के ऊपर, तो इसलिए वहां पे लाइक द वेदर बीइंग फॉगी द फ्लाइट वाज कैंसल्ड, कि जो वेदर था वो फॉगी था, मतलब धुंध हुई थी, इसलिए फ्लाइट कैंसिल होगी, तो वहां पे उन्होंने कोमा लगा दिया, ठीक है। ये हो गए हमारे कोमा के, एंड देन वी डिड फुल स्टॉप के। नाउ कम्स हियर सेमीकोलन, सेमीकोलन का क्या होगा, कहाँ यूज होते हैं सेमीकोलन, इंडिकेट्स अ ग्रेटर पॉज इन कंपैरिजन टू द कोमा, जो कोमा है कोमा पॉज देता है, लेकिन जो सेमीकोलन है उससे बड़ा पॉज देता है, उससे बड़ा स्टॉप देता है, जैसे टू सेपरेट द क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे हैव अ कोमा, अगर हमने कोई क्लॉज सेपरेट करना हो किसी कंपाउंड सेंटेंस का जब देर वहां पर कोमा हो, लाइक अन्ना हजारे इज अ रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर कोमा विजनरी एंड इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अन्ना हजारे क्या है, बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं, एंड इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका लग गया सेमी कॉलन। फिर आ गया टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज, कि अगर दो क्लॉजेज हों बिल्कुल हल्के से एक दूसरे से रिलेटेड हों, तो वहां पर भी आपका सेमी कॉलन लगता है, लाइक गॉड गेव मी पीस माई सन हील्ड, गॉड ने मुझे, भगवान ने मुझे शांति दी, मेरा बेटा ठीक हो गया, तो मतलब मुझे शांति मिल गई, तो यहाँ पर सेमी कॉलन आ गया। हिज ग्रैंड मदर सेल्डम गोज टू बेड दिस अर्ली, उसकी जो ग्रैंड मदर है बहुत ही कम जल्दी बेड पर जाती है, शी इज अफ्रेड शी विल मिस आउट ऑन समथिंग, उसे डर है कि वो कुछ खो देगी, तो वो बहुत ही मुश्किल से ही बेड पर जाती है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन आ गया। फिर आ गया आपका कॉलन, कॉलन क्या है, द कॉलन डिनोट्स इवन ग्रेटर पॉज देन द इंडिकेटेड बाय सेमी कॉलन, जो कॉलन है वो सेमी कॉलन से भी बड़ा पॉज देता है। इट इज यूज, ये कहाँ पर यूज होता है, बिफोर अ लिस्ट और एन एक्सप्लेनेशन दैट इज प्रोसीड बाय क्लॉज, जैसे क्या है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर एंड, जैसे यहाँ पर है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के बाद हमेशा आप सेमी कॉलन लगाते हो ना, ये कॉलन लगाते हो, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन लगाते हो, तो ये एक और भी बड़ा पॉज है, क्योंकि उसके बाद हमारे तीन चार और क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिर क्या है, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, कोई डायरेक्ट कोटेशन के बारे में भी, लाइक टीचर फिर कॉलन, वन शुड मेक अ प्रॉमिस, फादर फिर कॉलन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां पर भी आपके कॉलन लगते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका नोट ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन आपको पता है इंटरोगेशन का साइन कहाँ लगता है, इंटरोगेटिव साइन, जहां पर क्वेश्चन होता है, जहां पर भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर कौन सा लगता है, इंटरोगेटिव साइन लगता है, ठीक है। आगे है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो कहाँ पर है, लेट मी टेक आउट द पेज, ये वाला नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगता है, हाउ इंटरेस्टिंग इज द स्टोरी, मतलब कहीं पर आपकी कोई फीलिंग कोई इमोशन को आपने एक्सप्रेस करना हो, तो वहां पर आपका ये लगता है एक्सक्लेमेशन साइन, अलास ही डाइड, ओहो वो मर गया, तो ये क्या है, सारा कुछ क्या है, एक फीलिंग है एक इमोशन है, तो वहां पर आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। नाउ आपकी जैसे ये सेंटेंस है, इसको आप करके देखो, वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड, अब ये एक क्वेश्चन है, तो आपने जहां पर कैपिटल कैपिटल लेटर यूज होते हैं वहां कैपिटल लेटर भी लगाएंगे और जो क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं वो भी लगाएंगे, तो इसका मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए, वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड, भूमिका बताओ क्या साइन लगेगा यहाँ पे, मैम W का, वेयर का W कैपिटल होगा, अक्षरधाम का A कैपिटल होगा, और मैम सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। वेरी गुड, इट विल बी वेयर इज द अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड क्वेश्चन मार्क,
और ए कैपिटल एंड डब्ल्यू कैपिटल होगा इसमें, ठीक है। माय ग्रैंडमदर टेल्स मी गुड स्टोरीज, एनीवन? माय ग्रैंडमदर टेल्स मी गुड स्टोरीज, कौन बताएगा यहाँ क्या आना चाहिए? हाँ लीजिए मैम, माय का एम कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। माय ग्रैंडमदर टेल्स मी गुड स्टोरीज, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर पंक्चुएशन, ठीक है, क्लियर है सभी को?